हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं डॉक्ट्रिन ऑफ अपॉर्शनमेंट, ठीक है, जो कि सेक्शन नंबर 36 और 37 में आता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के। सेक्शन नंबर 35 हमने कर लिया है, जिसमें इलेक्शन वाली डॉक्ट्रिन कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। ये इसी चैप्टर में आता है, इसी सेम चैप्टर में आता है, और आज हम करने जा रहे हैं डॉक्ट्रिन ऑफ अपॉर्शनमेंट। अभी डॉक्ट्रिन ऑफ अपॉर्शनमेंट तो मैंने बता दिया 36, 37 में आता है, बट सबसे पहले इसमें देखा जाएगा कि पर्पज ऑफ दिस डॉक्ट्रिन क्या है। तो एक फ्लो है, उसको बनाते जाओ। सेक्शन नंबर 7 में है कि ट्रांसफरर है, उसने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है। सेक्शन नंबर 8 में आता है ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर। अब ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर में ट्रांसफरर ने ट्रांसफरी को क्या सेंड किया? ऑल इंटरेस्ट ट्रांसफर, ठीक है। सारे इंटरेस्ट आपने, यानी कि आपकी एक प्रॉपर्टी है, उससे आपको लीज पे दे रखा है, तो उससे आपको 20 रुपए मिलते हैं, तो वो भी आपने क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। पर अब ये जो लीज वाला इंसान है, ये सोचेगा पैसे देने किसे हैं, ठीक है। ये पैसे आपको देने हैं किसी को, तो आप क्या बनाओगे? इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट में ही आता है, तो ये कौन से डेट से देने हैं, ठीक है। डेट, एग्जैक्ट डेट, ठीक है, यानी कि एग्जैक्ट कट ऑफ डेट क्या है वो जानना है। तो एग्जैक्ट कट ऑफ डेट क्या होती है? कई बार डीड डेट ही होती है, ठीक है। बट क्या होता है, अपॉर्शनमेंट डेट इसलिए है बिकॉज देयर इज नो कट ऑफ डेट। जहां पे कट ऑफ डेट प्रोवाइडेड नहीं है, वहां पे अपॉर्शनमेंट है। अपॉर्शनमेंट का मतलब क्या होता है? पोर्शन, ठीक है। पोर्शन वर्ड याद रखना, कितना किसका पोर्शन है वही हो जाता है अपॉर्शनमेंट, ठीक है। मान लो एक प्रॉपर्टी है, उसे कई सारे लोगों ने खरीदा, ठीक है, तो किसको कितना मिलेगा, किसको कितना कितना कैसे मिलेगा वो। या फिर हो गया, मान लो इस डेट से इस डेट तक मैंने तुमको प्रॉपर्टी दी है, उस डेट तक, लेकिन तुम लीज लिख के पैसे ले सकते हो। ये सब चीजें किसमें आ जाती है? अपॉर्शनमेंट में कवर होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 36 से। देखो, सेक्शन नंबर 36 जो है वो बात करता है अपोर्शनमेंट ऑफ पीरियोडिकल पेमेंट्स, यानी कि टाइम पीरियोडिकल से क्या पता चलता है? टाइम ऑन डिटरमिनेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पर्सन एंटाइटल्ड। इसमें बस इतनी सी बात कही गई है कि अगर एब्सेंस है, ठीक है, किसी कॉन्ट्रैक्ट में या फिर लोकल यूसेज टू द देखो इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और लोकल यूसेज टू कॉन्ट्रेरी ऑल रेंट्स, ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो क्या हो जाएंगी? इन द नेचर ऑफ सच पेमेंट्स बी डीम्ड एज बिटवीन द ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी टू अक्रू ड्यू फ्रॉम डे टू डे and to be apportionable accordingly, but to be payable on the days appointed for the payment thereof, ठीक है, किस दिन क्या दिया जाएगा उस हिसाब से, यानी कि ये टाइम से रिलेटेड है। तो इसमें भी मैंने यही लिखा है, एबसेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है लोकल और लोकल यूसेज टू कॉन्ट्ररी, या फिर लोकल यूसेज ये है कि तुम हम हर मंगलवार मुझे दोगे, ठीक है, ये लोकल यूसेज है। तो रेंट्स, तुम रेंट दे रहे हो, रेंट हो गई, एन्यूनिटीज हो गई, पेंशन हो गई, डिविडेंड्स हो गए, पीरियोडिकल पेमेंट्स वगैरह जो भी एक लैंड से एसोसिएटेड होती है, ठीक है। इन द नेचर ऑफ इनकम, यानी कि आपको किसी प्रॉपर्टी से इनकम मिल रही है, ठीक है, शैल अपॉन द ट्रांसफर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन एंटाइटल्ड टू रिसीव सच पेमेंट्स बी डीम्ड एज बिटवीन द ट्रांसफर एंड ट्रांसफरी टू अक्रू ड्यू, किस दिन से ड्यू हो जाएंगे? फ्रॉम डे टू डे एंड अपोर्शनेबल अकॉर्डिंगली बट टू बी पेबल ऑन डेज अपॉइंटेड फॉर द पेमेंट देयर ऑफ, उस दिन जी जाएंगे जिस दिन डे अपॉइंटेड है, ठीक है। अपोर्शनमेंट में समझ में आ गया कि दिन नहीं बताया है, तो कब? डे टू डे, ठीक है। अब कौन से डे टू डे में? जो डे क्या है? अपॉइंटेड है। तो हम अपोर्शनमेंट बाय टाइम के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। व्हेन प्रॉपर्टी यील्ड्स इनकम विच इज पीरियोडिकल इन नेचर, ठीक है, पीरियोडिकल पेमेंट आ रही है किसी प्रॉपर्टी से, तो क्वेश्चन ऑफ अपोर्शनमेंट ऑफ दिस पीरियोडिकल इनकम बिटवीन ट्रांसफर एंड ट्रांसफर इज बाउंड टू अराइज, कि भैया पैसा अब किसके पास जाएगा? अरे इस महीने का पैसा आ गया, किसके पास जाएगा, ठीक है। और कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफर क्या है? अब इसमें क्या है, प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि सेवरल ओनर्स हैं, ठीक है, तो प्रॉपर्टी के शेयर के अकॉर्डिंग कितना किसका शेयर होगा उस हिसाब से है। अब इसमें देखो, टेनेंट की लायबिलिटी के बारे में भी बात की गई, क्या टेनेंट की कोई लायबिलिटी है? नहीं भैया, इसमें टेनेंट की कोई लायबिलिटी नहीं है। तो आपको समझ में आ गया कि टाइम वाला अपॉर्शनमेंट में इश्यूज क्या क्या आते हैं। तो सेक्शन नंबर 30 क्या ले करता है कि पीरियोडिकल इनकम शैल बी अक्रूड एंड अपॉर्शनड ऑन डे टू डे बेसिस, ठीक है, और जिस दिन अपॉइंट किया गया है उस दिन पीरियोडिकल पेमेंट आपको दे दी जाएगी। तो आपका क्या है, पीरियोडिकल पेमेंट यानी कि 36 कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 37 जो कि बात करता है अपॉर्शनमेंट बाय स्टेट, ठीक है, स्टेट के अपॉर्शनमेंट से रिलेटेड बात करता है। अब इसमें व्हेन इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ ट्रांसफर, ठीक है, किसी ट्रांसफर के कॉन्सिक्वेंस में प्रॉपर्टी इज बीइंग डिवाइडेड एंड हेल्ड इन सेवरल शेयर्स, ठीक है, प्रॉपर्टी कई सारे लोगों के पास है और उसके जो बेनिफिट्स हैं या फिर ऑब्लिगेशन है रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी एज अ होल, ठीक है, पूरी क्या कर दी जाती है, पासेस फ्रॉम वन, एक इंसान से किसके पास आ जाती है? सेवरल ओनर्स के पास आ जाती है, ठीक है। द करेस्पॉन्डिंग ड्यूटी शैल इन एबसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें भी यही है कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं है या फिर क्या है, कोई भी चलन नहीं है, ठीक है, कॉन्ट्रेरी
बी परफॉर्म्ड इन फेवर ऑफ ईच ऑफ सच ओनर्स इन प्रोपोर्शन. अब उनका जितना पोर्शन है उसके अकॉर्डिंग उनके उनके हिसाब से उनके फेवर में चीजें परफॉर्म कर दी जाएंगी. टू द वैल्यू ऑफ शेयर, कितना शेयर है उनका, वैल्यू जितनी वैल्यू है. मान लो तुम्हारे पास 100 रुपए है, ठीक है, 100 रुपए में तुमने 10 इसको दिए, 20 इसको दिए, 30 इसको दिए, ऐसे ऐसे करके कितने हो गए तुम्हारे, और 50 इसको दिए, ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके कितने हो गए तुम्हारे, हैं तो 100 ही पर एक इसको, तो इसको मिलेगा भी उतना ही, ठीक है, वापस जब आएगा कुछ भी तो मिलेगा भी इसी हिसाब से, इसी रेशियो में. क्या रेशियो का, 1:2:3:5, ठीक है, ये इसका रेशियो हो गया. अब आपको समझ में आया. बट इसमें प्रोवाइडेड है, प्रोवाइडेड दैट द ड्यूटी कैन बी सेवर्ड एंड दैट द सेवरेंस डज नॉट सब्सटैंशियली इंक्रीज द बर्डन ऑफ द ऑब्लिगेशन. अब इसमें क्या, ये जो ड्यूटी है इट कैन बी सेवर्ड, बट ये क्या करेगी, ड्यूटी ऑफ द ऑब्लिगेशन बढ़ाएगी नहीं. 37 में इतना याद रख लेना. डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी पता है आपको, इसको हटा दिया सकता है, यानी कि इसको सेवर किया जा सकता है, बट क्या करेगा, इसकी सेवरेंस जो है वो बर्डन ऑफ ऑब्लिगेशन को बढ़ाएगी नहीं. नेक्स्ट इसके बाद है रूल. अब इसमें जो रूल है वो क्या है एग्जैक्टली, इसमें रूल के बारे में बात की गई है. ऑब्लिगेशन अटैच टू द प्रॉपर्टी मस्ट बी परफॉर्म्ड, ठीक है, इसको परफॉर्म किया जाएगा इन फेवर ऑफ ईच ऑफ सेवरल ओनर्स इन प्रोपोर्शन. अरे जिसने जिसने प्रॉपर्टी खरीदी है उसके हिसाब से उसको ऑब्लिगेशन वगैरह जितने भी अटैच है उसको परफॉर्म किया जाएगा. तुम प्रॉपर्टी ले रहे हो तो किसी को देने के लिए थोड़ी ले रहे हो, दान थोड़ी हो, मंदिर थोड़ी है, ठीक है, आप क्या करके ले रहे हो, आपको कुछ उससे प्रॉफिट चाहिए, तो आप उसे प्रॉफिट अपने हिसाब से, अपने शेयर के हिसाब से, विद रिस्पेक्टिव शेयर के हिसाब से निकाल दोगे. अब इसमें कुछ कंडीशंस का फुलफिलमेंट आता है, ठीक है, कि ये जो रूल है ऊपर वाला, अपने अपने शेयर के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देना स्टेट के हिसाब से, ठीक है, कि कितना किसका स्टेट है, तो इसकी कुछ सर्टन कंडीशन है. पहले तो क्या है, ऑब्लिगेटर मस्ट हैव नोटिस. ऑब्लिगेटर के पास नोटिस होनी चाहिए जो ऑब्लिगेशन प्रोवाइड करेगा. मान लो मैंने जमीन, एक जमीन से दूसरी जमीन गई है, ठीक है, दूसरे बंदे ने जमीन खरीद ली है और मैं लीज पे हूं, ठीक है, तो मुझे पता होना चाहिए ना कि भैया अब इनको पैसे नहीं देने, अब दूसरे को पैसे देने. नेक्स्ट है, ऑब्लिगेशन शुड बी ऑफ अ कैरेक्टर विच कैन बी सेवर्ड, ठीक है, हटाई जा सकती है, सेवरेंस, समझ गए. एंड सेवरेंस ऑफ द ऑब्लिगेशन शुड नॉट एंड अप इंक्रीजिंग द बर्डन ऑफ द ऑब्लिगेशन. समझ में आया आपको कि सेवरेंस हो सकता है, हटाया जा सकता है, पर हटाने से दुख नहीं होना चाहिए, यानी कि ऑब्लिगेशन वगैरह नहीं बढ़नी चाहिए. और नोटिस वाले इंपॉर्टेंट याद रखना, किसी को पता नहीं होगा तो कोई काम कैसे करेगा, ठीक है. तो इसी के साथ हमारे वाला पोर्शन कंप्लीट होता है. एज सच कोई इसके मेन्स के क्वेश्चन आते नहीं है, बट स्टिल मैंने आपको करा दिया क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ अपोर्शनमेंट समझ में आना चाहिए, यानी कि पोर्शन. अपोर्शनमेंट से आपको अगर याद नहीं आता, कुछ भी नहीं लिख पाते, तो पोर्शन समझ लेना, सेक्शन याद कर लेना 36-37 बस, और कुछ मत याद करना. केस लॉस वगैरह है नहीं इसमें, कोई ऐसा इशू आता नहीं है, ठीक है. तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया हो. अगर अच्छे से आया है तो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड प्लीज डू सब्सक्राइब. कोई इशू रह जाता है तो प्लीज डू कमेंट कि ये प्रॉब्लम है. बाकी नोट्स यही है, ठीक है, इससे ज्यादा नोट्स पीडीएफ फॉर्म में क्या ही प्रोवाइड करने हैं, ठीक है, यही सारे नोट्स हैं जो है. तो आई होप आपको अच्छा लगा हो. प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड प्लीज डू शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू.